हेलो नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम वे गाइस टू अनदर न्यू ब्लॉग। अभी बस जस्ट नादो के ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, खाना वाना खा के मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। तो दोस्तों ऑन द वे देख लो, फिर आपको लाइब्रेरी मिलता हूँ, फिर लाइब्रेरी में कुछ बातें, फिर अगेन आपसे मिलता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी में पहुंच चुका हूं, और लाइब्रेरी में ब्लॉग मैं इसलिए नहीं करता कि बहुत से लोग ऐसे अजीब तरीके से देखते हैं कि क्या ही कर रहा है, तो मुझे लोगों से छुप के ब्लॉग करना पड़ता है कभी कभी, तो ऐसा सीन होता है। देखो लोग ऐसे देखते हैं कि क्या ही कर रहा है। तो लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद मैं आपको शाम को मिलूंगा, अगर लाइब्रेरी के बाहर आऊँगा तो आपसे बात हो पाएगी, उससे पहले बात तो शायद क्या ही होगी। यहाँ पर क्राउड का भी आता है क्योंकि सड़क के जस्ट सामने सड़क है, मेन सड़क है, मेन रोड है, तो यहाँ पे बात कम हो पाएगी। तो चलते हैं लाइब्रेरी नीचे, क्योंकि आवाज़ मेरी शायद बहुत कम आ रही होगी आपको। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। देखो लाइट चली गई थी, लाइट जस्ट आई है, पंखा फैन चल गया है, तो मैं अभी हूँ लाइब्रेरी के ऑफिस के अंदर। लाइब्रेरी का ऑफिस है जिसमें कोई नहीं बैठता है फिलहाल, सब पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी वाले पढ़ाई करते हैं। दोस्तों लाइब्रेरी के बाहर जस्ट निकलते तो बाहर का सीन कुछ ऐसा होता है, और जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल हम रखने वाले हैं आपको अभी बताता हूँ, आपने शायद देख लिया होगा, लाइब्रेरी में सोने का आनंद आज के अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल होने वाला है। और पीछे से कि आप जानते हो कि लाइब्रेरी जस्ट सामने मेन रोड है, और मेन रोड से जस्ट सामने ही एक पहाड़ है जिसके ऊपर दात माता का मंदिर है, और ये राजेश जी हमारे मित्र है, राजेश जी मीणा, ये लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, घर पर चल के आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आप ब्लॉग पे बने रहिए। A few moments later. 6:30 बज रहा है। टाइम हो चुका है 6:30 बजने में, आते 10-15 मिनट और मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। सुबह गया था मैं आज लेट हुआ था 9 बजे, और 6 बजे वापस आ जाता हूँ। जैसे कि आप जानते हो इधर से पीछे आप देख सकते हो दुकान, तो ये ब्लॉग शायद काफ़ी छोटा है,
5-6 मिनट का शायद होगा कि नहीं होगा, 5-6 मिनट के लगभग ये ब्लॉग होएगा अपना। और मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, पीछे देखो बैक कैमरे से आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, मौसम ख़राब हो रखा है, बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर में बरसात होने वाली है। एक बार इसके कैमरे को साफ करता हूँ, बिल्कुल आसमान छाए हुए हैं तो मौसम टोटली ख़राब हो। गर्मियों के दिन में अगर बारिश हो जाए ना तो ठंड हो जाएगी बढ़िया, कूलर पंखे, कूलर की जरूरत नहीं, पंखे तो पड़ेगी। अपने इस बेल को देखिए कैसी लग रही है, ऊपर से देखो धूप के कारण मतलब डैमेज तो मान ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। और इधर आप देख सकते हो, अगर ये सूख जाए ना, मैंने आपको बोला ना कि काली मिर्च, काली मिर्च की नहीं, लेकिन ये सूखने के बाद अगर हम इनको सुखाए ना इन बीजों को, तो काली मिर्च की तरह हो जाएंगे। देखो एक चीज़ होगा, अगर इनको एक कच्चा बीज है इसको फोड़ता हूँ ना, देखो ऐसे तो लाल हाथ हो जाते हैं खून की तरह। ये तो अपना विलेज का होम, मतलब होम टाउन से विलेज, मेरा पूरा गांव दिखता है मेरे घर से, इधर ही देख सकते हो। ये हमारे पुराना मकान, हमारा नहीं है मतलब ताऊ जी, मतलब बड़े दादाजी का मकान है, फिलहाल इसमें कोई नहीं था, बिल्कुल बंद है। ये इधर पंडित जी का मकान है, उधर अपनी बाइक खड़ी हुई है, बहुत प्यार है उससे मुझे यार। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बिहार का सीन दिखाता हूँ यहाँ का, उससे होगा क्या ब्लॉग भी थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा और अपना काम भी आपको बिहार का सीन भी मिल जाएगा। चाय बन रही है तो चाय पी लेता हूँ मैं शाम के टाइम पे, मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है और आज शाम को हमारे प्रोग्राम में भी जाना है। दोस्तों चाय को फिनिश करके फिर आपसे हम मिलते हैं। तो चाय फिनिश हो चुकी है, इस मौसम में चाय पीना, दोस्तों चाय तो ख़त्म हो चुकी है और अब इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ कल रात को एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद जय भारत। कैसे ब्लॉग देखना ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।